जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राचक जैन संत का। अनुव्रत अनुशास्ता का तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। आचार्य तुलसी का पुरुषार्थ उनके फौलादी व्यक्तित्व की जीवंत कहानी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनके व्यक्तित्व को शब्द देते हुए कहा, जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, संकल्प अटूट निभाया रे, महाप्राण गुरुदेव, महाप्राण गुरुदेव। आचार्य श्री तुलसी के पुरुषार्थ ने गण को विकास के अनेक आयाम दिए। परिधि में अनेक लक्ष्य सक्रिय रहे, केंद्र में केवल और केवल आत्मबोध की यात्रा रही। प्रस्तुत है परम पुरुषार्थ पथ। धर्म है तो वो नष्ट तो नहीं हो सकते, किंतु अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं देते हैं, वो दिखने लग जाते हैं, इतना अंतर है। आविर्भाव तिरोभाव ऐसा होता है। बहुत सारी अच्छाई अन्य है, ये अच्छाई तिरोभाव चली जाती है और बुराइयाँ प्रकट हो जाती है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दो नहीं है, मुझे तो एक ही है। अच्छाई बुराई में परिणत हो जाती है, बुराई अच्छाई में परिणत हो जाती है। बताइए, जैसा जैसा योग मिलता है वैसा ही उसका परिणाम हो जाता है। अंधकार प्रकाश के क्या पुतगल दो है क्या? भरे पड़े ये अंधारे के पुतगल, ये प्रकाश के पुतगल, पुतगल एक ही है। तत्तन निमित्तम प्राप्ति, वैसा वैसा निमित्त पाके वे पुद्गल प्रकाशमय बन जाते हैं, तो प्रकाश के पुद्गल अंधकारमय बन जाते हैं। ये बात हमें जाननी चाहिए। अच्छाइयाँ बुराइयाँ बुराई के रूप में प्रणत हो जाती है, बुराई अच्छाई के रूप में जाती है। अब हमारी चाह क्या है? ये तो चाह किसी की नहीं है कि मेरी अच्छाई बुराई में प्रणत हो, चाह तो नहीं है, कि राह कैसी है देखना। ये राह है अगर तो चाह हो या न हो जाएगा वो काम। हमें केवल अपनी राह को बदलना है, राह को सुधारना है। राह को बदलने के लिए कुछ बातें बताई गई है। अभ्यास अवर्तिता, परछंदान अवर्तिता, कृतज्ञता आदि आदि इसके निमित्त बताए गए हैं। अगर बुराइयां अच्छाई रूप में नहीं होती तो हमारे तीर्थंकरों का गंधर्वों का कथन बेकार हो जाता। बेकार तो होता ही नहीं, ये तो हम जानते हैं, उनका कथन यथार्थ होता है। निश्चित रूप में बुराइयां अच्छाई में परिणत हो सकती है अगर हम तदनुकूल प्रयत्न करें, तदनुकूल अभ्यास करें, चेष्टा करें। और यही तो प्रयत्न है। लोभ की निर्लोभता की बात तो उन्हें कही जानी चाहिए जिनको सन्यासी साधु बनना है, तो उनके लिए भी कठिन। पर हजारों हजारों गृहस्थ लोग जाते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उनको ये बातें कही जाती है, कहाँ तक कारगर होगी? उन्हें कहना चाहिए
तुम गृहस्थ हो भाई, कम से कम ये किया करो, कम से कम इतना, कम से कम इतना किया करो। ये सब सुनेंगे ठीक है भाई, महाराज का कहना है, हमारा सुनना है, देना देना कुछ नहीं है। अगर ऐसी भावना है तो ठीक नहीं, और इसका समाधान फिर मैं कर लेता हूं। बात ठीक कही जा रही है, गृहस्थ समाज में रहता है, गृहस्थ है, पर आप जानते हो जितना अधिक लोभ उतना अधिक दुख। कमाना है, खाना है, घर चलाना है, समाज चलाना है, इसमें के लोभ की ज्यादा जरूरत है क्या? इसमें तो श्रम की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है, करने की जरूरत है, लोभ की क्या जरूरत है? गृहस्थ में जो जितना ज्यादा लोभी होगा उतना ज्यादा दुखी होगा वो। इसलिए मुझे लगता है ये उपदेश साधु संतों के लिए नहीं, सबके लिए काम का है। क्यों भाई, मेरी बात आपके समझ आती है कि नहीं आती है? ज्यादा लालसा, ज्यादा लोभ, ज्यादा लालच तो नुकसान ही करेगा। जब कभी जिस किसी व्यक्ति ने ज्यादा लोभ किया और खतरा पैदा हुआ, आज ये जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, क्यों होता है ये? इसमें भी कुछ दूसरे कारण भी है, पर एक ज्यादा लोभ भी कारण है। जगह जगह हड़ फेल हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? कि ज्यादा कामना, ज्यादा लालसा इसमें मूलभूत कारण है। इसलिए ये उपदेश वाणी निरंतर आनी चाहिए कि ज्यादा लोभ काम का नहीं। लोभम अलोभ ही दुगुण से आना है, लोभ को अलोभ से जीतना चाहिए। और फिर मैं प्रश्न करता हूं कि क्या लोभ करने से आपको ज्यादा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। लालसा से ज्यादा नहीं मिलेगा। जितने लोभ प्रति आप कम करो, अनाशक्ति बढ़ाओ, शायद धन भी आपके पास में अधिक आएगा। बहुत अनुभवी की बात यह है। एक व्यक्ति व्यापारी करोड़ों का व्यापार करता है और फिर उसको शांत रूप में व्यापार करता है तो उसका स्वास्थ्य भी और सब चीजें उसकी ठीक रहेगी। बिल्कुल अकर्म बन जाना, बनना ही पड़ेगा। आदमी चलता ही चलता चलेगा, ठहरेगा नहीं तो पैर निकम्मे हो जाएंगे, बोलता ही बोलता जाएगा, मौन नहीं रहेगा तो, सोचता ही सोचता जाएगा, बिना सोचे नहीं रहेगा तो। बहुत आवश्यक है न चलना, न बोलना, न सोचना, और ये अक्रम की बात है, ये तो प्रासंगिक की बात है। अब बात ये हुई, वह देखता है, कौन नहीं देखता? कामी नहीं देखता, लोभी नहीं देखता। पश्यन्नपि न पश्यति, श्रृण्वन्नपि न श्रृणोति। देखता भी नहीं देखता है, सुनता भी नहीं सुनता है। देखता क्या, आंखें खुली भी देखता कैसे नहीं है? फलाना ने पद्याय ने रामचरित गाते हैं, सुने तो ही सर्धे नहीं रे विभीषण री बात, देखी तो देखे नहीं रे कामी ए तो साथ, चतुर नर समझो बात विचार। सुने तो ही सद है नहीं विभीषण की बात, देखी भी देखे नहीं कामी ये तो साथ। रावण कामी बन गया, लोभी बन गया और परस्ती आसक्त बन गया। एक इतना बड़ा महान राजा, महान विद्वान, सारे राष्ट्र पर, सारे संसार पर काबू करने वाला, अपने मन का गुलाम बन गया। उसकी यह हालत बनी है कि विभीषण उसको सीख दे रहा है, वो सुन नहीं रहा है। विभीषण शिक्षा दे रहा है, भाई भाई बात कर रहा है, ऊँट के भाग के जाता है सीता के पास में और बड़े मना करता है। तो किसी ने कहा, देखी तो देखे नहीं कामी ये तो साथ, कामी मनुष्य
सामने देखने वाले भक्त को नहीं देखता है, क्यों कमी हो। हनुमान ने क्या कहा, हनुमान के बंधा हुआ है नागपाश से रावण के सामने लाकर उसको उपस्थित कर दिया है। उस समय रावण हनुमान कितना जोश से बोलता है, रावण ने कहा, अरे हनुमान तू मेरा कदमी चाकर, मैं तेरा मालिक, आज राम के पीछे गया है, क्या मिलेगा तुमको वहां, मिलेगा क्या मिलेगा, वहां गया हो बड़ी भारी चीज मिलेगी। हनुमान को बड़ा बेचैनी खड़ी होगी। उसने क्या कहा, क्या बोल रहे हो राजा कहला के, इतनी बड़ी आर्मी आपको शर्म नहीं आती बोलने, मैं तो कद को सेवक के थारो थे क्या मुझे स्वामी, मैं तो कद को सेवक के थारो थे क्या मुझे स्वामी, लाजन पामो झूठ बोलता, लाजन पामो झूठ, पर साचन भाखे कामी, साचन भाखे राजा राघव राया राय कहायो। नागपाश से बंधा हुआ आदमी कैसे बोलता है क्या कहा, मैं आपका किदमी सेवक, मैं तो कद को सेवक थारो और थे कद का मुझे स्वामी, लाजन आवे झूठ बोलता, लाजन आवे झूठ बोलता, पर सातन भागे कामी कितनी मरण की बात कह दिए, मैं कद का आपका सेवक, आपका कभी सेवक बना, मैं याद करो कभी आपका सेवक नहीं हूं, और तुम मेरे कब स्वामी, शरण जाती झूठ बोलते भरी सभा में, पर नहीं तुम्हारा दोस्त नहीं है कामी, आप लंपट बन गए हो, कामी बन गए हो, कामी आदमी साथ बोलता नहीं कितनी मरण की बात कह दिए, एकदम सही बात कही है, कामी न देखता सही न बोलता सही, इस दृष्टि से बात कही गई है भाइयों, जब तक कामना नहीं छोड़ोगे, अति लालसा नहीं छोड़ोगे, तब तक ज्ञाता नहीं बनोगे, दृष्टा नहीं बनोगे। ज्ञाता दृष्टा बनना है आपको वास्तव में अति लोभ और अति कामना को छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप में है वह व्यक्ति कड़ी से कड़ी बात कर सकता है, किसी के सामने कर सकता है। संत कन्फ्यूशियस ये बात आपने सुनी होगी, सुनते हो कहते भी हो, जब प्रश्न आया उसे किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं सम्राट हूं, कोई कह सकता मैं सम्राट हूं, संत ने कहा मैं सम्राट हूं। अच्छा, और सम्राट हो तो सम्राट के सेवक होता है, तुम्हारे सेवक कौन है, और मैं आलसी नहीं हूं सेवक आलसी अकर्म आदमी रखते हैं, मैं तो पुरुषार्थ हूं, मुझे सेवक की जरूरत नहीं। तो बोला सम्राट के शस्त्र होता है, आपके पास में शस्त्र कहाँ है, शस्त्र होता है कायर मनुष्य के पास में, मैं कायर नहीं हूं, मुझे शस्त्र की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बोला आपके पास में सेना नहीं है, सम्राट की सेना होती है, बोला मैं अभय हूं, सेना भयभीत के पास में रहती है, लड़पोक के पास में, मैं अभय हूं, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। तो बोला कि आप तो सक्षम कहाँ है, सक्षम ताकत शरीर की होनी चाहिए, आपके पास में नहीं है। बोला मैं आक्रांता नहीं हूं, आक्रांता आदमी चाहिए शरीर में कैसा, मैं आक्रांता नहीं हूं, मुझे सक्षम की जरूरत नहीं है। तो बोला आपके पास धन कहाँ है, सम्राट के पास धन होता है। बोला मैं दरिद्र नहीं हूं, दरिद्र व्यक्ति धन बटोरने की कोशिश करता, मैं दरिद्र नहीं हूं। सम्राट आप समझे नहीं, सम्राट कौन होता है, अंतर संपदा जिसकी विकसित हो जाती है वो सम्राट है, मेरी अंतर संपदा विकसित है,
अब मुझे सम्राट के लिए कुछ ही कहीं मैं हूं। आदमी सुनता रह गया, ये क्यों है? वास्तव में ही इसने लोभ को छोड़ दिया और वस्तुति इसने जान ली, पहचान ली। ये बड़ा आदमी होता है। हम लोग भी, हम तो साधु साधियां हैं, वो भी समझे कहीं भीतर में, हमारे भी भीतर में कि लोभ तो काम नहीं कर रहा है, कामना कहीं काम नहीं कर रही है, कामना से हम ग्रस्त तो नहीं है कहीं? अगर हैं तो हम सही बात नहीं कर सकेंगे, छाती पर हाथ रख के कड़ी बात नहीं कर सकेंगे। कड़ी बात तभी कह सकेंगे कि हम बिल्कुल लोभ हम लेना देना नहीं है, हाथ फैलाना है, पैसा मांगना है। कहना पड़ेगा हुजूर आप तो बड़े आदमी हो, दोनों हाथ बगल में है, तो झूठ क्या है? मांगना नहीं कोई मतलब की बात नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जितना जितना लोभ उतना उतना अज्ञान, जितनी निर्लोभता उतना ही ज्ञान। ठीक कहा गया है, इस अकर्म में जानती पासती, वह अकर्म है इसलिए जानता है और देखता है। वास्तव में एक बात फिर है, जो व्यक्ति जहां है, जो व्यक्ति जिस रूप में है, उसका वेश वैसा होना चाहिए, उसका आकार प्रकार भी वैसा होना चाहिए। अकर्मा व्यक्ति तो उसका आकार भी अकर्मा जैसा होना चाहिए। उसका आकार क्या है, उसका आकार क्या होना चाहिए? देख मतलब अकर्मा है, इसको बिल्कुल सकर्म नहीं है। अकर्मा व्यक्ति का आकार भी अकर्मा जैसा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साधु जाता है उसके पास में होगा रहेगा, क्यों? बैठने चलने में पूछने की जरूरत है। कौन से जाता तो आपको चोली देनी चाहिए, पहचान लेंगे कौन है साधु है, भिक्षा मांगने वाला भिक्षा लेने जा रहा है। वैसे वेशभूषा की बड़ी जरूरत है, अकर्मा की भी कोई वेशभूषा होनी चाहिए। गांधी जी जब उड़ीसा की पदयात्रा कर रहे थे, उड़ीसा की पदयात्रा में चले तो बहुत सारी अच्छे आदमी होते ही थे, अब गांधी चले तो कौन नहीं चले, बेनवा भी थे, योगी हरी भी थे, मलकानी भी थे, सब बड़े बड़े आदमी थे, सब अपना सामान बान बन के चले। तुम एक कांग्रेसी आया और तिरंगा झंडा लाया, झंडा सामने गंगा रुक जाओ, रख दो झंडे को, झंडा नहीं चाहिए, झंडा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आज हम हरिजन यात्रा में निकल रहे, हरिजन यात्रा में निकल गए, झंडा नहीं झाड़ू लाओ हाथ में, झाड़ू पकड़ो हाथ में। वो गांधी कह सकता है, इस वक्त दूसरा कौन कह सकता है, झाड़ू पकड़ो हाथ में। वो देखते रह गए, झाड़ू पकड़ो कौन पकड़े, कहने का हरी जाओ हाथ में झाड़ू उठाओ, बड़ा विद्वान आदमी है, मलकानी लाओ झाड़ू हाथ में उठाओ। योगी हरी मलकानी दोनों गए हाथ में झाड़ू लेके चले, अब तो फिर कौन नहीं लगा, अरे वो झाड़ू नहीं जाते चले। गांधी ने कहा कि झाड़ू किस लिए, स्वच्छता का प्रतीक, कचरा बुहार के साफ करने का प्रतीक झाड़ू है। अभी झंडा लेके चले हो, झंडा कौन का, झाड़ू हाथ में लो। गांधी की एक बड़ी बात यह थी कि हर बात बात में शिक्षा विवेक था उसका, बिना विवेक से कोई काम नहीं करता था वो, बहुत बड़ी विवेक की बात थी, झाड़ू हाथ में लो, बहुत जागरूक थे। अब मैं कोसी जाता हूं हाथ में धोली देता हूं, साधु कहते हैं हाँ हाथ में धोली लो, साधुया कहती क्या हुआ, देखते मुझे देख लो हाथ में धोल कैसे रखते, देखने की बात कही है। मैं कोसी जाऊं फिर हाथ में धोली क्यों ना रखू, मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं समझता हूं कि जब मैं भिक्षा करूं और हाथ में धोले जाऊं इतना आनंद मुझे आता है, कुछ बता। जिस काम में आदमी जाए तो उस समय आदमी को वेश वैसा होना चाहिए, ये वृत्ति रहनी चाहिए। ये ब्रेन वॉशिंग हो रहा है पूरा, हम स्वयं अपने मस्तिष्क तो धो रहे हैं, अपने मस्तिष्क की धोई तो पूरी कर रहे हैं हम लोग, और कितनों का मस्तिष्क धुल जाए ये अभी कह नहीं सकते, बाद में कह सकेंगे। पर यह निश्चित विश्वास है कि इतना प्रयत्न, इतना तीव्र प्रयत्न, इतना सघन प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अनेक ऐसी ऐसी वृत्तियां अच्छाई रूप में पनप जाएगी जो सुखद होगी,
और सुख की सांस लेने में अनुकूलता आएगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर हम सोचे किसी प्रकार की उच्चावस्था नहीं हो, सहजता हो। जब तक सहज नहीं बनेंगे तब तक वो वस्तु अंदर पेठेगी नहीं और पेठेगी टिकेगी नहीं। इसलिए बहुत अपेक्षा इस बात की है कि हम जब कभी भी सुने बिल्कुल खाली होके सुने, खाली होके सुने, अरे दिमाग को खाली कर ले, हल्का बना ले, फिर सुने। सबसे जबरदस्त कोई तत्व है तो मोह है ये। जब तक मोहनीकरण क्षीण नहीं हो तब तक ज्ञानावरण क्षीण हो ही नहीं सकता है। जब तक हमारी कषाय क्षीण नहीं होगी तब तक हमारा आत्मदर्शन होगा नहीं, ये हमको मालूम नहीं पड़ता, दिखता नहीं है। आत्मदर्शन में सबसे बड़ी बाला कोई अगर है तो अभिमान है, क्रोध दिखता है, अभिमान दिखता नहीं, पर अभिमान तो ही बड़ा है। गोस्वामी ने क्या कहा, पाप मूल क्रोध नहीं, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान अहंकार है, मैं इतनी जबरदस्त बात है, बहुत मुश्किल हो गया, मिटना बहुत मुश्किल हो गया। तो किसी ने कहा कि इसका तो अभिमान क्षीण हो गया, किसी ने परीक्षण कर लिया, उस बाबे का परीक्षण किया, अहंकार मिटा नहीं मिटा। बाबा आया और काले कपड़े पहन के आया, लेकिन शाम कपड़े, बड़े सेठ के घर आया। सेठ ने सोचा बड़ा आदमी है, नमस्कार किया, बोले बाबा काले कपड़े क्यों पहने? बोलो मेरे मित्र मर गए। कब के? चिरंतन मित्र, इतने मेरे पुराने मित्र थे, वो सब मर गए, उनके शोक में काले कपड़े पहन लिए। बाबा आपके मित्र कौन थे? मित्र क्रोध मेरा मित्र, मान मेरा मित्र, इतने पुराने मित्र थे, सब के सब खत्म हो गए काले कपड़े से। शेठ ने सोचा बड़ा गपास्टिक आदमी है, कैसी बात करता है। उसने कहा चले जाओ भाई, निकल जाओ, आंख लाल कर चला गया। बात गया, अभी कल वापिस बोला, उसको वापिस बुला, वापिस आ गया। शेठ ने सोचा आंख लाली बिल्कुल खुश नहीं है, फिर काले बेवकूफ, फिर वापिस आ गया, तो निकल जाए, धक्का देके निकाल दिया, चला गया। फिर काले बस वापिस बोलो, वापिस आ गया, अपमान ठीक नहीं, फिर आ गया। कहते हैं कि 10 दफे धक्का दिया, 10 लोग वापिस बुलाया, शेठ ने कहा सच्ची बिल्कुल, न गुस्सा आया न अभिमान आया। गुस्सा आता तो आंख लाल होती, अभिमान आता तो वापिस आता नहीं, धक्का देकर निकला कोई वापिस आ सकता है क्या? बोला बाबा गुस्सा की माफ करो, मैंने बड़ी मूर्खता की, बड़ी भूल की, आपका अभिनय किया, आपकी अवहेलना की और पाप किया, और मैंने आप जैसा व्यक्ति संसार में देखा नहीं, बड़ा भारी काम आपने किया, बड़ा भारी काम किया। बोला इस तरह से अभिमान को क्रोध को मालूम कोई बड़ी बात है? 10 दफे मैंने धक्के दिए वापिस आ गए। बोला मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये काम तो एक कुत्ता ही कर सकता है, एक कुत्ता कर सकता है, दुर 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 तू 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 तू। फिर दुर तू तू, दस तरफ दूर कर दो, तू तू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। शेठ ने सोचा बड़ा पूछा हुआ आदमी, सत्य बात तो यही तो है, केवल आने जाने बड़ी बात नहीं, तत्व से गुस्सा खत्म हुआ था वो बड़ी बात ऐसी है। हम लोग सब सोचे ये हम जब तक दूरा नहीं होता तब तक न समकित है, न कोई ज्ञान कुछ नहीं है। मुख्य ये है रुझ अहंकार में, जितने आदमी छोटे उतना अहंकार बड़ा, जितने बड़े उतना अहंकार छोटा। छोटे में की पहचान यही है, जितना व्यक्ति महान है उतना उसका अहंकार छोटा होगा, निश्चित बात ऐसी है। अपने दृष्टि को स्पष्ट करें, अपने दर्शन को क्लियर करें, साफ करें,
कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या होना है, मैं कहाँ तक चल पाया हूँ। ठीक कहा, कभी आधी घंटा भी बैठ के चिंतन करना मुश्किल है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, ये निर्णय नहीं किया जाता है। ये नहीं किया तो ठीक है, वो तक की चलती रहती, कोई खास बात नहीं। इस दृष्टि से ये क्रम है, ये कि ये सब काम कब होगा, हम छोड़ देंगे, ओनाव कब हो जाएगा, ये गलत बात है। तुम पीछे पड़े, ये भी एकांगी सत्य है। वही श्लोक पद्य, नालंबते दैष्टिकताम, नालंबते दैष्टिकताम, न निषेधति पौरुषे, शब्दार्थौ सत्कविरिवे द्वयं विद्वान् अपेक्षते। नालंबते दैष्टिकताम, दैष्टिकता भाग्य, इष्टम भाग्यम भाग्यम। जो व्यक्ति नियति भाग्य के पीछे पड़ जाता है, भूल है, एकांगी है। और केवल बंदा आंख बंद करके पुरुषार्थ करता रहूंगा, केवल पुरुष काम का नहीं, और केवल भाग्य भी काम का नहीं। शब्दार्थ सत कवि दिव्य है, कवि केवल शब्द सुंदरता वाक्य काव्य नहीं बना सकता, केवल अर्थ गांधी से काव्य नहीं बना सकता, दोनों बराबर मिले तब कवि बनता है। तो हम भी पुरुषार्थ भी करें, साथ में भाग्य भी हमारा साथ दे। मैं बात तो मानने लगा हूँ थोड़ा कि भाग्य भी साथ देता है। हजार पुरुषार्थ कर, अगर भाग्य है ही नहीं तो क्या करता है। हमारा भाग्य है, इस भाग्य से हम लोग बहुत बड़ा एक तत्व को पाए हैं कि स्वामी जी हम बड़े भाग्यशाली थे, आपके बाद में हम आए। अगर हम पहले आ जाते तो न जाने कहाँ भटक जाते, पता नहीं है। आपके आने के बाद में हम आए, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा रास्ता मिल गया, हमको बना बना रास्ता मिल गया। मैं अरहत की शरण में जाता हूँ। अरहत कौन होता है? परम पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। परम पुरुषार्थ के बिना कोई अरहत बन नहीं सकता, इसलिए परम पुरुषार्थ के प्रतीक की शरण में मैं जाता हूँ। सिद्धे शरणम भवज्जामि, अपने परम पुरुषार्थ के कारण उन्होंने, उनको सिद्धि मिली है, सिद्धि प्राप्त की उन्होंने, इसलिए मैं उनके शरण में जाता हूँ। न हमारे सामने अरहत है न सिद्ध है, तो साहूम शरणम भवज्जामि। ये साधु लोग परम पुरुषार्थ के रूप में हमारे सामने है, इसलिए मैं उनके शरण में जाता हूँ। और व्यक्ति को छोड़ो, केवल ही पंडत्तम धम्मम शरणम भवज्जामि, उस पुरुषार्थ का नाम है धर्म। अर्हतों ने किया, सिद्धों ने जिसको किया, साधु जिसको करते हैं, उस परम पुरुषार्थ के शरण में जाता हूँ। पुरुषार्थ बड़ी चीज है, और इसलिए पुरुषार्थ की गाथा हम गाते हैं, पुरुषार्थ की बात कहते हैं। तो मैं मानता हूँ अगर हम पुरुषार्थी हैं, और निश्चित समझिए हम ईश्वरवादी नहीं हैं, हम केवल भवितव्यता या नीतिवादी नहीं हैं, हम पुरुषार्थवाद के पुजारी हैं, सेवक हैं, अनुगामी हैं, या पुरुषार्थवाद में अपने आप को खपाने वाले हैं। इस दृष्टि से बात है कि मनुष्य बिल्कुल शांति से समझे, सोचे, अकर्मा तो बहुत मुश्किल, अलोक बनने का प्रयत्न करें।